रूम रूम में जा, मेरी तो चलती ही नहीं है स्टैचू, सिर्फ इन लोगों की चलती है। तो यही डिसाइड करेंगे कि अगला परफॉर्मर कौन है। अरे नाम तो बता दी जाओ। स्पीपा ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। जो मर भी मैं भूल गई, जान जा तेरे लिए, अरे झुमका भी मैं भूल गई, जान जा तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। फिर क्या हुआ? अरे छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली। आपको कैसा लगा स्पीपर का परफॉर्मेंस? ये अनारकली बहुत बहुत आगे जाएगी। ये ग्रुप का ये खासियत जो मुझे बहुत अच्छा लगा इज द सिंक एनर्जी फॉर्मेशन जो आपने किए थे, वो एटीट्यूड और वो अंदाज, प्लस यू आर कैचिंग ऑल द बीट्स, हर एक बीट को आपने पकड़ा, मतलब इट वॉज नॉट बोरिंग। फॉर्मेशंस आए, लड़कियों ने लड़की को उठाया, वो मुझे अच्छा लगा। वो बॉयज हमारे जो मुश्तंडे लड़के थे वो बाहर बीच में ऐसे खड़े थे, हमारी लड़कियों ने बहुत कुछ काम कर लिया। नॉट बैड, नॉट बैड। क्या हुआ बॉयज, आपने क्यों लड़की को नहीं उठाया? वो क्या attitude दिखाते हैं? Yes. अरे बेटा तू भी एटीट्यूड दिखाना। सर हम लोग भी करेंगे। वैसे लड़के भी बहुत कुछ कम नहीं है, वो अच्छा? भी एटीट्यूड दिखाते हैं। आहा, उनके तो लड़कियों से भी नखरे ज्यादा। और हमेशा उन लोग साइड पे रुके, हम लोग के साथ कभी ज्वाइन नहीं होते। हम लोग उनको और हम लोग के क्लास में कभी कभी लेके आने को बोलते हैं। तो हम लोग के ग्रुप में एक इडली नाम का एक लड़का है। अच्छा। हाँ, वो क्लास में आएगा तो 2 इडली, हाँ। बाहर जाएगा तो 4 इडली, और बहुत बड़े शो पे जाएगा तो 8 इडली। ये इसका फिक्स रेशियो है हमेशा 2:4:8। आज ये शो के लिए कितने इडली खाए तुमने? 4 इडली खाए मैं। सिर्फ 4? हाँ। वैसे तो 1 डज़न खाएगा तू। सुनाई जी आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था आप में। और जैसे टेरेंस ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिस करते हो। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड, वेल डन। मैं चाहूंगा कि आपके जो गुरु है वो स्टेज पर आ जाए। जोरदार तालियां इस ग्रुप के गुरु जी के लिए।
हमारी तरफ से ये है एक चेक सारे ग्रुप के लिए। और आपका मेडल ऑफ हुनर सारे ग्रुप के लिए है। स्टेज में आके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे कुल गुरु ने हमें बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, उनको भी हमारा डांस बहुत अच्छा लगा।